हियर इज द क्वेश्चन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एस सी एल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन हुज पीएच इज 4। ओके स्टूडेंट, आपको क्या बताना है कि HCl का 100 ml अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसके लिए आपको उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बताने हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स, वेट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर के इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर के। हम क्या कर लेते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पीएच की वैल्यू है, तो यहां से हमारे पास एच प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब कि हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। तो देखो बेटा, पीएच कितना हो जाएगा, 10 to the minus of log H+ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पीएच की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, तो यहां से अगर मैं एच प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करूं तो ये कितनी हो जाएगी, 10 to the power -4 हो जाएगी। ठीक है, पहले माइनस को इधर भेजोगे तो -4 होगा, और लॉग जब इस साइड आएगा तो एंटी लॉग होके क्या हो जाएगा, 10 to the power -4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, 10 to the power -4, मतलब कि HCl के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने हैं, 10 to the power -4। लेकिन ये ध्यान से पढ़िए, ये क्या कंसंट्रेशन टर्म है, और हम कंसंट्रेशन टर्म किसके अंदर पढ़ते हैं, मोल पर लीटर में पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मोल पर लीटर में। लेकिन हमारे लिए क्या क्या बोला है कि जो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं HCl के, वो हमें 100 ml के अंदर कैलकुलेट करने हैं, जबकि हमारे पास क्या, ये लीटर में, तो इसे हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, 1 liter, तो मैं इसे बोल दूं 1000 ml के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ कितना है, 10 to the power -4 मोल है। सही बात है ना, कि 1 liter में पढ़ रहे हैं ना, पर लीटर पढ़ रहे हैं, तो 1000 ml में है 10 to the power -4 मोल, तो बताइए 100 ml के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 to the power -4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये पूरा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 to the power -5 मोल्स आपके पास प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो अब मेरे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किससे इक्वल हो जाएंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, बताइए एन फैक्टर कितना होगा HCl का, 1 होगा। चलिए 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 to the power -5 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। हियर इज द योर आंसर, एंड चेक लेना, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन।